बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उकाड़ा कैंपस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंसेस पार्ट टू का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फील्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ए टेबल इन एमएस एक्सेस। ये चैप्टर 6 का लॉन्ग क्वेश्चन है और लेक्चर हमारा आज 35 है। लास्ट लेक्चर हमने डेटा टाइप्स के हवाले से डिस्कस किया, जो कि वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था। इससे नेक्स्ट जो डेटा टाइप से ही रिलेटेड इससे जो टॉपिक जो टेबल्स के हवाले से जो हम बनाते हैं या उसका स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो उस वक्त हम डिफरेंट फील्ड को प्रॉपर्टीज देनी होती हैं। तो उस हवाले से आज का लेक्चर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है बोर्ड के अंदर। तो फील्ड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। फील्ड प्रॉपर्टी पहले क्या होती है, पहले ये अब डिस्कस कर लें हम। फील्ड प्रॉपर्टी बेसिकली क्या स्पेसिफाई करती है, ये बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा इन द फील्ड स्पेसिफाई करती है। करैक्टरिस्टिक्स का मतलब यही कि आपने जो फील्ड बनाई है, जैसे कि आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, इसमें आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है, जैसे कस्टमर आईडी है, तो इसको ऑटो नंबर डेटा टाइप दी। तो ये जो डेटा टाइप है और जब इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उससे नीचे आप देखेंगे ये आपको एक बॉक्स सा नज़र आ रहा है और इस पे आपको नीचे लिखा हुआ है फील्ड प्रॉपर्टी। मसलन जैसे ये अभी कंपनी नेम सिलेक्टेड है, टेक्स्ट है, तो उससे रिलेटेड ये देखें सारी की सारी उस फील्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं कि आपने फील्ड का साइज क्या रखना है, उसका फॉर्मेट क्या रखना है, उसका इनपुट मास्क क्या रखना है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं और ये स्पेसिफाई करती हैं उसकी करैक्टरिस्टिक्स को कि आपने उसको में किस तरह से डाटा जो है सेव करवाना है। और ये करैक्टरिस्टिक्स में आपके सामने एक तो फील्ड साइज है, फॉर्मेट है, डिफॉल्ट वैल्यू है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी हैं। ये सारी इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। दीज आर स्पेसिफाइड इन द बॉटम पार्ट और पैन ऑफ डिजाइन व्यू। अब ये हमारे आपके सामने टेबल के हवाले से डिजाइन व्यू, ये टेबल को क्रिएट करने का एक डिजाइन व्यू नजर आ रहा है, ये आपको बॉटम पैन पे ही आपको मिलेगा। ठीक है, जब भी आप टेबल बना रहे होंगे, फील्ड्स को बना रहे होंगे, आप उसमें उसको डेटा टाइप आप एलोकेट कर रहे होंगे, असाइन कर रहे होंगे, तो साथ ही आपको नीचे इस तरह से फील्ड प्रॉपर्टीज भी नजर आएंगे। तो फील्ड प्रॉपर्टी बेसिकली स्पेसिफाइज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा इन द फील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टीज जो उसकी आगे डिफरेंट जो अवेलेबल हैं प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम जो अवेलेबल हैं एमएस एक्सेस के अंदर, उसमें हमारे पास सबसे पहले फील्ड साइज है, फॉर्मेट है, डिफॉल्ट वैल्यू है, इंडेक्स्ड है, वैलिडेशन रूल है, वैलिडेशन टेक्स्ट है, इनपुट मास्क है, कैप्शन है और रिक्वायर्ड है। ये सारी की सारी फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं जो आप किसी भी फील्ड को आप उसकी जो आप फर्दर आपने उसकी करैक्टरिस्टिक्स रखनी है, चेंज करनी है, एलोकेट करनी है, तो आप फिर इन फील्ड प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे और उनको किस तरह यूज करेंगे ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये तो होगी डिफरेंट फील्ड प्रॉपर्टीज, आप इनको वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाए फील्ड साइज को। देखें, आपने जब भी कोई भी फील्ड आपने जारी बात है रखनी है, बनानी है, तो उसकी आपने जारी बात है उसका आपने उसमें डेटा कितना सेव करवाना है। तो फील्ड का साइज जो है ये हम ये बाय डिफॉल्ट तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अभी कोई भी नेम है अगर वो फील्ड है तो उसको अगर आप उसमें मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स तक भी आप जो है वो उसमें डेटा सेव करवा सकते हैं। तो यू कैन यूज फील्ड साइज प्रॉपर्टी टू सेट द मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा स्टोर्ड इन ए फील्ड सेट टू द टेक्स्ट नंबर और ऑटो नंबर और डेटा टाइप। आप चाहे टेक्स्ट हो, चाहे नंबर हो, चाहे वो ऑटो नंबर डेटा टाइप हो, उन सब पे आप मैक्सिमम साइज जितना डेटा आपने इसमें स्टोर करवाना है वो आप फील्ड साइज जो है वो सेट कर दें। तो डिफॉल्ट फील्ड साइज जो है फॉर द टेक्स्ट टाइप, यानी टेक्स्ट अगर आपने एंटर करना है तो उसका डिफॉल्ट 50 कैरेक्टर्स होता है, ये प्रीवियस वर्जन में है। करंट वर्जन में मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स तक आप डाटा सेव कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं होता, आप अपनी मर्जी से आप डिफॉल्ट साइज जो है भी सेट कर सकते हैं। जी बात ठीक है। अब फील्ड साइज कैन बी लिमिटेड टू ए सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इफ द वैल्यू इन द फील्ड इज स्मॉल। मसलन
इसका ये मतलब है कि आप उस फील्ड में आप एक लिमिटेड यानी जितने भी आपने कैरेक्टर्स में सेव करवाने हैं वैल्यू को स्टोर करवाना है मिनिमम वैल्यू तक भी आप उस रूप में आप रख सकते हैं कि इतना आपने डेटा सेव करवाना है। इट सेव डिस्प्ले, इससे क्या फायदा होगा कि मतलब देखें आपने फॉर एग्जाम्पल आईडी है, आईडी को आपने इंटीजर दे दिया या उसको नंबर दे दिया, ठीक है, अब उसमें मैक्सिमम उसका जो दो या तीन जो नंबर्स हैं या वो जो रोल नंबर है वो उसमें वो उस फील्ड साइज के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि एक तो डिस्क स्पेस जो है, क्योंकि आपको पता है जब डाटा हमने सेव करना है डेटाबेस के अंदर तो मैक्सिमम जाहिर बात है मेमोरी यूज होनी है, हार्ड डिस्क यूज होनी है, तो हमने कोशिश करनी है कि फील्ड साइज को कम से कम रखा जाए, लिमिट रखा जाए, लिमिटेड रखा जाए, ताकि हमारा जो डिस्क स्पेस है उसकी बचत हो एंड प्रिवेंट्स एंट्री एरर्स और एरर्स में गलती ना हो। मतलब फॉर एग्जांपल आपने नेम वाली फील्ड है उसमें आपने 50 कैरेक्टर्स या 255 कैरेक्टर्स ही रखे हुए हैं तो उसमें आप एंट्रीज की गलतियां भी होंगी, डाटा एंटर होगा और उसने आपने जाहिर बात है आपने सेव हो जाना है डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, ठीक है, और वो टेबल कहाँ सेव होता है या डेटाबेस कहाँ सेव होती है वो हार्ड डिस्क पे सेव होती है, ठीक है। यहाँ आपको फील्ड साइज के हवाले से मसलन जैसे कि डेटा टाइप बाइट है, ये भी आप जब फर्दर दूसरी डेटाबेसेस पढ़ेंगे जैसे एसक्यूएल है या ओरेकल है उसमें डेटा टाइप्स बाइट भी आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें मैक्सिमम ये वही होगी जो इंटीजर है, इंटीजर वाला डेटा बाइट यानी कि जिसमें मैक्सिमम ए 1 byte अगर है तो 8 bits डेटा सेव होना है, तो उसकी रेंज 0 to 255 की। ये करेक्टर जो है यानी करेक्टर जो ने आपको बताया है 1 byte जगह घेरनी होती है, तो मैक्सिमम 255 ये रेंज है, ये आपने जो है सी लैंग्वेज के अंदर भी ये सारी रेंजेस जो हैं वो पढ़ी हुई हैं कि इस तरीके से आप उसमें डाटा स्टोर करवा सकते हैं। रेंज होती है उस लिमिटेड रेंज में ही आपने डाटे को स्टोर करवाना है। इंटीजर है उसकी, ये भी आपने देखा, ये सी लैंग्वेज में भी आपने देखा -3 to 768 to 768 ये उसकी रेंजेज हैं, इसमें आप साइज इन बाइट्स कह लें, 2 byte इन इंटीजर आपको बताया 2 byte जगह गिरता है, इस तरह से लॉन्ग इंटीजर है, सिंगल है, डबल है, ये सारी डेटा टाइप्स हैं जो कि आपने सी लैंग्वेज में भी ये स्टडी की हुई है। तो ये एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताया, लेकिन हम फील्ड साइज सेट करनी है अपनी मर्जी से सेट करनी है कि आपने कितना डेटा स्टोर करवाना है उस फील्ड के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है टेक्स्ट या मेमो फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट ले लें टेक्स्ट और मेमो। आपने फॉर्मेट आप कह सकते हैं कि आप के कितनी वो उसमें मसलन आपने जो डाटा स्टोर करवाना है ये एक फॉर्मेट प्रॉपर्टी होती है, ये स्पेसिफाई करती है फॉर्मेट ऑफ डाटा दैट एज इट इज डिस्प्लेड, यानी कि आपने डाटे को डिस्प्ले कैसे किस तरह से करवाना है वो फॉर्मेट आप सेट करते हैं। मसलन इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि डेट है, डेट में आपको बताया पहले महीना आता है, ठीक है, फिर यानी डेट आती है, फिर महीना आता है, फिर साल आता है, तो ये एक फॉर्मेट होता है। दरमियान में देखें नंबर आ गया मसलन 01, फिर डैश आ जाता है, फिर उसके बाद महीना आ जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद साल आ जाता है डैश 2019 2020, ये एक फॉर्मेट है कि इस फॉर्मेट में डाटा जो है स्टोर करवाना है। तो वो टेक्स्ट के हवाले से भी फॉर्मेट है, मेमो के हवाले से भी फॉर्मेट है कि आपने किस तरह से डेटे को डिस्प्ले कैसे करवाना है। फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी यूज टू अप्लाई द फील्ड एंड द सेकंड अप्लाई टू द एम्प्टी फील्ड्स, यानी एम्प्टी फील्ड्स भी होती हैं, कोई ऐसी फील्ड्स भी होती हैं जो खाली रखनी पड़ जाती हैं, ब्लैंक रखनी पड़ जाती है। अब नीचे कुछ आपको सिंबल नजर आ रहे हैं, ये जस्ट समझ लें कि ये फॉर्मेट है आपको दिया जाता है कि मसलन एट द रेट साइन है फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये अगर है मसलन एक अगर आप फॉर एग्जाम्पल रख देते हैं एट द रेट साइन तो मस्ट हैव ए टेक्स्ट एडिटर इन दिस पोजिशन, के अगर ये फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट बॉक्स है या एक फील्ड है जिसमें एट द रेट साइन, इसमें समझ लें कि इसमें ए टेक्स्ट का करेक्टर यानी कैरेक्टर्स लिखने हैं, मसलन एंड साइन है तो आपने ऑप्शनली हैव ए करेक्टर इन दिस पोजिशन, यानी करेक्टर जो है ऑप्शनली आ सकते हैं इस पोजिशन में। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप एट द रेट साइन मसलन अगर 3 फॉर्मेट बना देते हैं तो इसमें 3 करेक्टर्स आप एंटर कर सकते हैं एट द रेट, ये भी है इसी तरह से कि आप उसमें करेक्टर एंटर करें या ना करें जो भी है। लेस देन का जो करेक्टर होता है या सिंबल होता है इसमें अगर आपने फॉर एग्जांपल स्पीड के अंदर तमाम जो डाटा या करेक्टर्स आपने स्टोर करवाने हैं और लोअर केस में हो तो आप लेस देन साइन दें।
ये जब आप सिंबल पुट कर देंगे, फॉर्मेट में सेट कर देंगे, तो सारे के सारे कैरेक्टर्स फिर लोअर केस में आएंगे, और अगर आपने कैपिटल यानी शो करवाने हैं, यानी कि इसमें फिर ऑटोमेटिकली काम होगा। फॉर्मेट आपने दे दिया ऑटोमेटिकली, यूजर ने तो डेटा एंटर करना है यूजर, लेकिन बैकएंड पे ये फॉर्मेट आपने खुद सेट किया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो अपना फॉर्मेट जो है, जो भी टेक्स्ट का या वेमो का, आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह स्पेस है, स्पेस लिख दें, डिस्प्ले स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में से, जैसे ABC एक फॉर्मेट है, ठीक है, डिस्प्ले द कैरेक्टर इन साइड द कोट्स, यानी कि ये अगर आप सेट कर देते हैं, तो जब भी कोई चीज आप टाइप करेंगे, उसके जो है इन साइड जो है वो इन्वर्टेड कॉमाज आएंगे। ये मतलब आपने फॉर्मेट सेट कर दिया, आपको फिर टाइप ये इन्वर्टेड कॉमा खुद टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जैसे ही यूजर एंटर करेगा तो वो इन्वर्टेड कॉमा में वो ये वो जो भी वैल्यू जो है वो आपको नजर आएगी। नेक्स्ट, आपके पास एक है डिफॉल्ट वैल्यू, इंडेक्सेस और फील्ड वैलिडेशन। डिफॉल्ट वैल्यू का मैं एक बता देता हूँ आपको, सिंपल आसान इसकी एग्जांपल, कि आपने फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जिसमें, फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका डेटा वो उकाड़ा के स्टूडेंट्स हैं, तो वो आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपना रजिस्टर्ड हों, और क्योंकि उकाड़ा से रिलेटेड ही सारे आपने जो है सेव करवाने हैं, तो जो सिटी की फील्ड है उसमें आप एक डिफॉल्ट वैल्यू खुद ही सेट कर देते हैं, लाइक उकाड़ा सामने नजर ऑलरेडी आ रहा होता है, एंटर किया होता है, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू सेम एज इट इज इस तरह जाती है। तो अगर डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं, तो आप फिर किसी भी फील्ड के वाले से, तो फिर आप ये फील्ड प्रॉपर्टी जो है वो आप सेट करेंगे, कि मतलब इन सम केसेस द वैल्यू ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स इन अ सर्टेन फील्ड इज सेम। मतलब जैसे कि सिटी की फील्ड है, आप चाहते हैं कि जब भी यूजर उसमें डेटा एंटर करे वो सिर्फ उकाड़ा के हों, लेकिन सिटी की फील्ड में वो कुछ एंटर ना करे, ऑटोमेटिकली उसमें जो वो उकाड़ा जो आपने सेट किया हुआ है वो आ जाएगा, वो डिफॉल्ट वैल्यू एक किस्म की सेट कर दिया आपने, ठीक हो गया। तो डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट इन दिस केस, तो यूजर डज नॉट नीड टू टाइप, यानी कि यूजर को टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यू बार बार उसको उकाड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार कोई भी वैल्यू, कोई और भी फील्ड हो सकती है, ठीक है। तो वो आप बार बार वो टाइप नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली उसमें टाइप्ड होगी, आपने वैल्यू खुद ही सेट कर दी फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर। आगे कुछ एग्जांपल्स में आपको दिखाता हूँ, तो और भी अभी प्रॉपर्टीज के हवाले से तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो द प्रॉपर्टी सेट द डिफॉल्ट वैल्यू यूज टू सेट डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द फील्ड, यानी उस फील्ड के लिए वो डिफॉल्ट वैल्यू बन जाएगी और वो ही सेव होगी, यूजर को टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास इंडेक्सेस हैं। इंडेक्सेस का आपने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। इंडेक्सेस यानी हम अगर लगा देते हैं, या एक फहरिस्त लगा देते हैं, या जैसे सॉर्ट करना होता है तो हम इंडेक्स लगा देते हैं, या हम प्राइमरी की लगा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इंडेक्सिंग होती है, सॉर्टिंग होती है, मसलन तरतीब से डाटा यानी सॉर्ट होता है, तरतीब से डाटा सेव होता है। तो इंडेक्सेस भी कैसे लगाने हैं, इंडेक्सेस आर क्रिएटेड टू क्यूरी एंड सॉर्ट रिकॉर्ड्स। मतलब आपने कोई क्यूरी हम क्योंकि हम आगे नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्यूरी का होगा, तो आपने कुछ रिकॉर्ड्स को फास्टली, या यानी कि आपने उसको सॉर्ट करवाना है, तरतीब देनी है क्विकली फास्टर, यानी इंडेक्स अगर लगा देंगे तो डाटा फास्टर वो जो सॉर्ट होगा, तरतीब होगा, इससे ये होगा सर्चिंग में भी आसानी होगी, सर्चिंग भी फास्ट होगी अगर आप इंडेक्सेस लगा देते हैं। इंडेक्सेस जब प्राइमरी प्राइमरी की भी आप लगा दें तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स लग जाता है, तो इस हिसाब से क्या होता है, सॉर्टिंग फिर फास्ट हो जाती है। इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज टू सेट एन इंडेक्स फील्ड, ठीक है, येस डुप्लीकेट होगी, इस तरह से आपको नजर आएगा, येस डुप्लीकेट होके येस नो डुप्लीकेट, ये दो चीजें होंगी इंडेक्स के हवाले से, ठीक है, कि अगर डुप्लीकेट्स होके आप ये सेलेक्ट करेंगे इज सिलेक्टेड इफ मल्टीपल एंट्रीज ऑफ सेम डाटा, यानी कि आप डुप्लीकेशन चाहते हो कि मतलब कोई भी अगर एंट्रीज है तो मल्टीपल एंट्रीज भी हो जाए सेम डाटा वैल्यू की, तो कोई इशू नहीं है, तो ये भी आप कर सकते हैं आप, ठीक है, मर्जी आपकी। और अगर आप येस नो डुप्लीकेट, यानी कि डेक्स हो लेकिन डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आने चाहिए, तो वो फिर डुप्लीकेशन नहीं होगी, तो इस तरह से इंडेक्स आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये है फील्ड वैलिडेशन रूल, ये जरा गौर से समझिएगा, फील्ड वैलिडेशन रूल इसका क्या मतलब है। देखिए एक फील्ड होगी, एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल नेम है,
अब ये फील्ड जो है नेम की फील्ड, फॉर एग्जाम्पल जब आप टेबल बनाया, आपने एक नेम की फील्ड बनाई और उसमें आपने टेक्स्ट डाटा एंटर करना है, और उसके गेट एक प्रॉपर्टी है फील्ड वैलिडेशन रूल। अब इसका मतलब क्या है कि आप ये फील्ड वैलिडेशन रूल में एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, एक रूल बना देते हैं कि यूजर इस टेक्स्ट बॉक्स में, नेम के टेक्स्ट बॉक्स में या नेम की फील्ड में सिर्फ टेक्स्ट एंटर करे, नंबर ना आए, कोई स्पेशल सिंबल ना आए। ये एक क्राइटेरिया सेट, इसको हम बेसिकली वैलिडेशन रूल कहते हैं। मसलन लाइक यूजर जब भी टाइप करे वो करेक्ट डाटा एंटर करे, हमारा ये मकसद है, ठीक है। तो वैलिडेशन रूल स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर द डाटा एंटर इन द वर्कशीट, ठीक है। ए मैसेज कैन बी डिस्प्ले टू द यूजर इफ द डाटा वायलेट्स रूल। अगर आपने वो जो क्राइटेरिया सेट किया है और यूजर गलत डाटा एंटर कर देता है, फॉर एग्जाम्पल नेम की फील्ड है ना, तो उसमें वो नंबर एंटर कर दिया उसने, लाइक उसने हफीज 123 कर दिया, जो कि अलाउ नहीं है। अलाउ क्या है, क्राइटेरिया क्या है कि क्राइटेरिया क्या है कि सिर्फ वो टेक्स्ट एंटर करे, अगर वो वॉयलेट करेगा तो उसको मैसेज आएगा, ठीक है। इसको हम टेक्स्ट को बेसिकली जो मैसेज डिस्प्ले कर रहा है उसको एक एरर मैसेज आएगा, भी तुम गलत डाटा एंटर कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ नाम एंटर करना है और टेक्स्ट एंटर करना है, ठीक है। तो इसी तरह से एक एक्सप्रेशन बिल्डर बटन होता है एट द एंड ऑफ वैलिडेशन रूल, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसके साथ फिर क्या हो गया, फील्ड वैलिडेशन रूल लग जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वैलिडेशन रूल का समझ आ गया होगा। एक इसकी एक और एग्जांपल भी आगे है, वो भी मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट आपके पास है वैलिडेशन टेक्स्ट। अब वैलिडेशन रूल की तो समझ आ गई आपको, अब जो उस वैलिडेशन रूल के साथ आपने जो टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है एज ए मैसेज के तौर पर, जैसे आपको ये एग्जाम्पल आपके सामने नजर आ रही है, ये एक मैसेज नजर आ रहा है, ठीक है, कि वैलिडेशन टेक्स्ट इज द मैसेज दैट इज डिस्प्लेड व्हेन द वैलिडेशन रूल फॉर ए फील्ड नॉट फॉलोड। मैसेज उसने यूजर ने गलती गलत एंटर कर दिया, जैसे जाके ये देखें इनकम है, उसमें करेंसी तरह का डाटा इंस्टॉल करना है। अब यहाँ देख लें, यहाँ लिखा हुआ है वैलिडेशन रूल, ये देखें गौर से देखें, वैलिडेशन रूल में लिखा हुआ ग्रेटर देन जीरो, यूजर जो भी टाइप करे जीरो से ज्यादा वैल्यू एंटर करे, जीरो जीरो से कम होगा तो वो माइनस में चली जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये एक जो है वॉयलेशन होगी। तो अगर वो जीरो से कम वैल्यू एंटर कर देता है, यानी -1 लिख देता है, -2 लिख देता है, तो फिर वैलिडेशन टेक्स्ट ये देखिए नीचे नजर आ रहा है कि जो मैसेज डिस्प्ले करा रहा है एरर मैसेज, उस पर ये लिखते हैं कि ओनली पॉजिटिव नंबर इज अलाउड। इससे फिर यूजर को पता चल जाएगा कि यार मैंने तो गलत डाटा एंटर कर दिया है, वो तो कह रहा है कि ओनली पॉजिटिव नंबर अलाउड, मतलब गलती से उसने -2000 लिख दिया, ठीक है, जो कि जीरो से छोटा है। तो अब उसके सामने फिर इस तरह से क्या क्या है, एक एरर मैसेज आ जाता है, इसको हम वैलिडेशन टेक्स्ट। यहाँ देखिए वैलिडेशन रूल सेट करते हैं, ये क्राइटेरिया हो गया और ये वैलिडेशन टेक्स्ट, जहाँ पे आपने कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है जब यूजर वायलेट करे, जब वो वायलेशन करे देन ये मैसेज इस तरह से आएगा। उम्मीद है कि ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आपने समझ ली। नेक्स्ट आगे इनपुट मास्क है। अब इनपुट मास्क क्या होता है, देखिए मैंने आपको डेट की एग्जाम्पल दी थी कि हम यूजर जब डेट की फील्ड पे आता है, आपने अक्सर ऑनलाइन भी देखा होगा या आपने कोई फॉर्म फिल किया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि, या आपने जैसे सुपीरियर का कोई यूजर सुपीरियर की रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपने जब एडमिशन लिया तो ऑनलाइन फिल किया होगा, उसमें आप बाकायदा ऑलरेडी फॉर्मेट बना होता है कि यूजर सिर्फ टाइप करता है। आप ये देखें इनपुट मास्क क्या है कि इनपुट मास्क कंट्रोल्स अ वैल्यू, वैल्यू को कंट्रोल करता है, और फिर रिकॉर्ड एंड सेट इट इन स्पेसिफिक फॉर्मेट। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको दे दिया जाता है, आपने जस्ट टाइप करना है, मसलन डेट की फील्ड के जैसे एग्जाम्पल दी हुई है, या फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर की एग्जाम्पल होती है। ये देखिए ये एक किस्म, जैसे देखिए मास्क का आपको पता तो है, मास्क बेसिकली एक सांचा होता है, सांचा जिस तरह से बना देंगे उसमें वैसी डाटा आएगा, वैसी डाटा उस पर फुट होगा, फिट आ जाएगा। तो ये आपने एक किस्म का सांचा बना दिया, ठीक है। देखें अब फॉर एग्जाम्पल दे आर सिमिलर टू द फॉर्मेट प्रॉपर्टी, मतलब जैसे कि टेलीफोन नंबर फील्ड है, कैन बी फॉर्मेटेड विद इनपुट मास्क, आप उस टेलीफोन नंबर का फॉर्मेट ये देखिए सेट कर दिया, जैसे ये एक फॉर्मेट है, ये बिल्ट इन बने हुए हैं, आपको अपनी बुक पे लॉट ऑफ यानी टेबल नजर आएगा, उसमें आपको इनपुट मास्क के मल्टीपल फॉर्मेट आपको नजर आएंगे, जो कि आप एज इट इज बस, इसका मतलब ये होता है कि 1 2 3 यहाँ 3 डिजिट्स आने चाहिए और ब्रैकेट के अंदर आने चाहिए, फिर 4 5 6 आना चाहिए, यानी कि 4 5 यानी कोई भी, जैसे 3 2 1 आ जाता है, यानी ये हो गया, प्लस ये 9 0 9 2 हो गया फोन नंबर जो भी है, फिर ऑटोमेटिकली डैश आए और आगे 4 डिजिट्स आए, ये आप एक इनपुट मास्क बना देते हो। और उसके बाद ब्लैंक फील्ड में आपको इस तरह से शो होगा, आप ये ब्लैंक यानी कि वो जो
टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसमें आपने एंट्री करनी है फोन नंबर की, वहां ये चीज नजर नहीं आएगी, ये तो आपने एक मास्क बना दिया। अब आगे आपको फ्रंट एंड पे आपको ये चीज नजर आ रही होगी, अब आपको समझ आएगी, आप ऑटोमेटिकली बस आपने टाइप करना है, उसने कहा भी फोन नंबर टाइप करना है इस तरह, यहाँ 3 डिजिट है, ऑटोमेटिकली वो नंबर्स आएंगे, आप जो भी उसका फोन नंबर है वो इस फॉर्मेट में फिट आ जाएगा। तो एन इनपुट मास्क कैन बी अप्लाइड टू फीड बाय फॉलोइंग स्टेप, किस तरह से जाएंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे आप, इनपुट मास्क पे आ जाएंगे, और वहां पे जैसे कि आपने क्लिक इन द वाइट स्पेस फॉलोइंग इनपुट मास्क अंडर द टैब, ठीक है, फिर उसके बाद उस बटन को क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक विजार्ड आ जाएगा, स्टेप जिस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जब आप विंडोज आएंगी आप फिर ये सेट कर दोगे ऑटोमेटिकली। देखना जिस तरह से ये देखिए ब्रैकेट आ गई, ये 3 @ साइन का मतलब है कि 3 नंबर आने चाहिए, इसी तरह आगे फिर 3 नंबर आने चाहिए, फिर डैश आ जाना चाहिए, फिर इस तरह 4 इंच आएगी, तो इस तरह से ये आप मास्क बना के ओके कर दोगे। तो आप इसको एज ए प्रैक्टिकल भी आप करेंगे और आपको करवाएंगे, तो इस तरह से आप इनपुट मास्क बना रहे। तो ये होगी हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की, आज हमने फील्ड प्रॉपर्टीज की हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर इन केस कोई आपको इसमें से कोई फील्ड समझ ना आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे क्वेरी कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत दीजिए, और इस लॉन्ग क्वेश्चन है को आपने इसको प्रिपेयर करना है, इस पूरे फील्ड प्रॉपर्टीज को, ये मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। तो अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत देते हैं, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।